और ये चल रही है। गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग, कैसे हैं आप लोग। एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी शाम से और आज है तीज। सबको तीज की क्या हैप्पी तीज तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं कर रही हूँ तीज के लिए तैयारी, सामान निकाल रही हूँ एक करके। सुबह से बस नहीं, सुबह कर ली मैंने पूजा जो होती है ना, जो मतलब कथा वगैरह जो भी चीजें होती है और वो जो भरते डाली वाली श्रृंगार का सामान वो सब मैं कर चुकी हूँ। लेकिन अब शाम की एक पूजा इसमें होती है और शाम को मतलब जरूर मंदिर जाया जाता है। आज के दिन शिव जी और पार्वती जी की पूजा होती है, तो बस उसी सब मैं तैयारी में लगी हुई हूँ अभी। तो अब मैंने शुरुआत करी है तैयारी की। अभी कितने बज गए, 5 बज रहे ना, 5 बज रहे। 6 बजे तक तो मुझे लग रहा है 1 घंटा मेरे पास है, मैं तैयार होकर चले जाऊंगी, है ना। सामान निकालती हूँ अपना, मैं एक एक करती हूँ। मेरा पिटारा पकड़ो, मार कट कर। सो फाइनली अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। तो अभी ना मैं सोच रही थी फाउंडेशन वगैरह लगाऊंगी, बट अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। और उसे ब्लेंडिंग में लगेगा टाइम, क्योंकि जितना अच्छा बेस बनता है ना आपका मेकअप उतना ही अच्छा होता है। इसलिए मैं अभी सीसी क्रीम से सिर्फ मेकअप कर लूँगी लाइट सा, ताकि जल्दी हो जाए और टाइम ना लगे। पहले मुझे लग रहा था अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, लेकिन बहुत टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम भागता जा रहा है इतनी जल्दी जल्दी। और मुझे लग रहा था पहले ये छोटे छोटे काम ना घर के ख़त्म ही नहीं होते बच्चों के साथ। मैं आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लाइट जो है वो सही से नहीं आ रही, कि जो मैंने ब्लेंड किया है कैसा किया है। अभी आपको कैमरे में समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैंने ब्लेंडिंग जो है बहुत अच्छे से की है। अभी आपको थोड़ा बहुत दिखेगा। आप ना सबसे ज़्यादा मेकअप में बेशक आप 5 मिनट लगाओ, लेकिन 10 मिनट लगाओ अपने बेस को सेटल डाउन करने के लिए, क्योंकि जितना अच्छा बेस बनता है ना आपका मेकअप उतना अच्छा होता है। पैची पैची जो मेकअप होता है ना वो नहीं हो पाता है। और जब मेरा मतलब मैं मेकअप इतना शौकीन नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा लाइट सा मुझे चाहिए होता है एकदम, तो डिसेंट वाला लुक। तो इसलिए मैं थोड़ा बेस में थोड़ा टाइम लगाती हूँ, तो ताकि ज़्यादा ओवर ना लगे। और ये जो टैप टैप करके मैं आई शेडो लगा रही हूँ, ये आई शेडो इसलिए टैप करके लगा रही हूँ क्योंकि ना इससे ज़्यादा केकी मेकअप नहीं होता है और ज़्यादा मतलब मात्रा में वो नहीं आ जाती है फाउंडेशन इसलिए। और अब बिल्कुल टाइम है, इसलिए कैमरा बंद करके फटाफट तैयार हुई। और ये देखिए साड़ी पहन के मैं हो गई हूँ जल्दी से रेडी। सो फाइनली मैं हो गई हूँ पूरा रेडी और मेरा ये रहा आज का लुक। हाँ आई नो कि साड़ी जो है थोड़ा सा आज में मुझे खुद ही लग रहा था कि मैंने ढंग से नहीं पहनी है। पता नहीं क्यों ये साड़ी मैं बहुत लाइट वेट सोच के पहनी थी, लेकिन इसका वेट बहुत ज़्यादा है। और अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। कथा मेरी हो गई है, कथा मतलब सुन ली है मैंने, और अंदर शिवलिंग में पूजा हो गई है। लेकिन दिया वगैरह ना यहीं बाहर जलाया जाता है, तो बस ये पूजा होगी। और उसके बाद पता है क्या होता है, तीज में आपका पूरा दिन कट जाता है, लेकिन जो ये वाला टाइम होता है ना, मतलब जो शाम की पूजा वाला टाइम होता है, उसके बाद ना मैं थोड़ा सा तो डाउन हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि इसके बाद प्यास लगना ना शुरू होती है, और फिर आपको मतलब कंट्रोल, मतलब पूरा दिन आपको, फिर दिन क्या पूरी रात आपको देखनी है, फिर आपको सुबह ही पानी पीना है, तो वाली कंडीशन हो जाती है। तो लेकिन अभी ना मैं मतलब कंट्रोल कर रही हूँ अपने आप को। क्या होता है छोटे बच्चों के साथ ना आपको बहुत बोलना पड़ता है, बहुत बोलना पड़ता है। और आप देख रहे हैं मैं सुबह से बस भाग रही हूँ। मैं कुछ मतलब मैंने ब्लॉग
ऐसा नहीं है कि सुबह काम नहीं होता, कुछ बहुत सारे काम होते हैं। इस एक ब्लॉग को बनाने के पीछे ना हमारी बहुत पीछे से तैयारियां होती है, सिर्फ ऐसे ही नहीं बन जाता है। सो देखिए बहुत सारे लोग सोसाइटी के आसपास में हैं जो पूजा कर रहे हैं। आंटी जी एक मेरे बगल में, वो भी पूरे पोज में आ गई हैं अच्छे से पूजा करते हुए, उनको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि वो पूजा के ब्लॉग में आ रही है। सो अभी हम लोग ना पूजा के बाद फिर मैं थोड़ा सा मतलब अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हुआ हम लोगों का, थोड़ी बहुत मैंने यहीं पे रील्स बनाई, क्योंकि आज पता नहीं क्यों रूम में लाइट बहुत फ्लक्चुएट कर रही थी, इसलिए। तो बस सिंपल सी इसी तरह से पूजा होती है तीज की, आपके वहाँ कैसी होती है ज़रूर बताइएगा। तो आज तो मंदिर में बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि शाम के टाइम में भी ना लोग आते हैं पूजा करने के लिए, और एक सुबह तो घर पे कर लेते हैं लेकिन शाम को आया जाता है मंदिर में पूजा के लिए। तो ये मेरी साड़ी अब जाके मुझसे संभली जब मैंने पूरा ऐसे फोल्ड करके पकड़ लिया, लेकिन इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी ना, मैं आपको क्या ही बोलूँ कि पसीने के मारे हालत एकदम ख़राब थी। तो अभी मैं यहाँ दिया जलाऊंगी, और दिया जला के यहाँ पे ना दो तीन जगह आप लेके मतलब पेड़ पे जलाना चाहिए, पीपल के पेड़ पे, तुलसी जी पे, मतलब चार पांच जगह इस तरह से होता है कि दिया जलाया जाता है, तो वो सब हो रहा है। और तक्ष तो पता नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता वो कहाँ जनाब भागे हुए हैं, खेल रहे थे अपनी मस्ती में, उनका कुछ नहीं पता था। तो अभी ये आप देख रही है, ये मेरी सोसाइटी का ही मंदिर है, छोटा सा मंदिर है लेकिन ठीक है, मतलब जितने हम लोगों का सोसाइटी में जितनी गैदरिंग है वहाँ इजीली सब कुछ हो जाता है, लोग आराम से पूजा वूजा कर लेते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो मेरी यहाँ पे भी हो गई है पूजा, तो चलिए अब थोड़ी सी बनाती हूँ रील्स, और रील्स बना के फिर मैं जाऊँगी सीधा घर। यहाँ हो रहा है हमारा पोजिंग टाइम, पोज दे रहे हैं। तो एक दो लोग जो साथ के थे वो लोग भी मिल रहे थे, तो हम लोग सब मतलब पोज दे रहे, तो मैं उन लोगों का मजाक उड़ा रही थी, अच्छे से पोज दो, जाओ वहाँ जाके पोज दो, ज़्यादा अच्छी आएगी। तो सब की सब वहाँ भाग गई मैं इसी बात पे हंस रही थी। मैं वैसे मैंने ये सब जगह इसलिए खाली करी थी ताकि मैं अच्छे से फ़ोटो ले चुकी ले पाऊँ इसलिए, अरे मैं मजाक करूँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो सब लोग खुद से गए थे अपनी मर्ज़ी से। तो अभी बस ये हो गया है, ये मेरी रील्स बन रही थी, मैं रील्स बनाने के लिए इस तरह से मैंने ये कुछ फ़ोटो ले ली थी। त्रिशान थोड़ा सा ना तंग करने लगा था, तो अभी हम सीधा जाएंगे घर। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की का काम है, ये मॉर्निंग हो गई है नेक्स्ट डे। तो जिस दिन पारण होता है मतलब जिस दिन व्रत खोला जाता है, तो उस दिन ना थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत ही सादा वाला खाना बनता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ बनता है। तो मैंने कढ़ी भी बनाया था, चावल बनाया था, एक तरफ देखिए सिवई बन रही है, और सुबह सुबह मुझसे गैस पे गिर गया था दूध। तो जो दूध गिरा है उसे मैंने बिल्कुल साफ़ नहीं किया, मैंने कहा इसको सब काम करके बाद में साफ़ करूँगी, लेकिन सब खाना वाना बना लेती हूँ। नहा मैंने लिया है, अब मुझे मंदिर जाना है, जो छुए का सामान होता है ना वो मंदिर में देने के बाद पारण होता है, मैं वो देने जाऊंगी और उसके बाद अपना व्रत खोलूंगी, और इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। बाय बाय।